तुमने अच्छा सौदा कर लिया। अच्छा वो नीलामी, भूल जाओ, मैं जमीन में पैसे नहीं लगाता। पर तुम वैसे सिपाही भी नहीं लगते जो ये गरीब बेजार विधवा को बचाने आए। पर देखा जाए तो मैं भी वो बेचारी गरीब विधवा नहीं लगती। शायद सही था, तुम कमाल की औरत हो। और तुम भी कमाल के आदमी हो, और तुम्हारे मन में कुछ है। और तुम्हारे मन में भी तो कुछ है। गर्म पानी से भरा हुआ एक नानी कट। मेरे ख्याल से टब भरने का समय आ गया है। कौन हो तुम? जिम कूपर, चक यंग ब्लड और मुर्दा आदमी, वो सब जिंदा थे जब तक वो तुमसे नहीं मिले। तुमने उस चीज के लिए 5,000 दिए जो मेरी है। पांच हजार और एक। तुम्हें भी लाभ कमाने का हक है। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तुमने एक ऐसी चीज में टांग अड़ाई है जो तुम्हारे बस की नहीं। तुम चाहो तो इससे बाहर निकल सकते हो। तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन लगते हो फ्रैंक। मिस्टर मॉर्टन के साथ रहते तुम्हें काफी फायदा हुआ है। और तुमने कुछ नए तरीके भी सीखे। हाँ, मिस्टर मॉर्टन ने तुम्हें बहुत से नए तरीके सिखाए हैं। हालांकि तुमने अपने पुराने रंग ढंग नहीं बदले। कोई भी ढंग चुन लो, बस सौदा करो। कौन सा सौदा फ्रैंक? हमारे बीच तो बहुत से हैं। खैर, तब हम उन्हें एक ही बंडल में बांध सकते हैं। उन सभी का निपटारा करो यहां और अभी। शांत रहो फ्रैंक, शांत रहो। तुम्हें जल्दबाजी से बाज आना होगा। शांत रहना तो किसी बिजनेसमैन को सबसे पहले सीखना होता है। मेरा एक सुझाव है, मिस्टर मॉर्टन तुम्हें और बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कितना हुआ? $1।